महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि मुंबई पुलिस ने 5 डेवलपर्स के खिलाफ नो कंस्ट्रक्शन वर्क और साइलेंस जोन के सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता फडणवीस ने महाराष्ट्र विधान परिषद में एक लिखित जवाब में ये बात कही। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को हाल ही में राज्य विधान परिषद में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। डिप्टी सीएम ने कहा, मुंबई पुलिस ने 5 डेवलपर्स के खिलाफ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नो कंस्ट्रक्शन वर्क और साइलेंस जोन के सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए FIR दर्ज किए। जुलाई 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण के गंभीर प्रभाव का हवाला देते हुए सार्वजनिक स्थानों पर रात 10 से सुबह 6 के बीच लाउडस्पीकर और म्यूजिक सिस्टम के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि देश की शीर्ष कोर्ट ने सार्वजनिक आपात वाली स्थिति के मामलों में बैन से छूट दी थी। ध्वनि प्रदूषण के संबंध में मौजूदा नियम ये अनिवार्य करता है कि आवासीय और साइलेंस जोन जो स्कूल अस्पतालों और धार्मिक संस्थानों के आसपास के क्षेत्र हैं, उनमें अधिकतम शोर स्तर 55 डेसिबल होना चाहिए, जबकि दिन में 50 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल और 40 डेसिबल होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।